नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश का बड़ा बयान, बोले एक बार जरूर होनी चाहिए जातीय जनगणना। जहां डिप्टी सीएम स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े दावे कर रहे थे, वहीं खून के अभाव में मां बच्चे ने तड़प तड़प कर दे दी जान। बिहार में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगी नौकरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार में कोरोना और बाढ़ के कारण सेना भर्ती की परीक्षा रद्द, नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान। बिहार के 9000 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी जाना तय, दिया हुआ वेतन भी वसूलेगी सरकार। बिहार में फिर से एक्टिव होगा मॉनसून, 26 और 27 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। क्लर्क भर्ती परीक्षा 14 अगस्त को, एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में होगा संशोधन, ढोल पीटकर जानकारी देगा निर्वाचन आयोग। बिहार में अब अनाथ बच्चों को खोजेंगी सेविका, हर बच्चे पर दिए जाएंगे 50 रुपये। बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत लोगों को दी जाएगी पानी की जांच रिपोर्ट। बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा इन दिनों काफी चर्चे में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्र सरकार से एक बार जातीय जनगणना जरूर करवाने की अपील की है। नीतीश ने कहा है कि जातीय जनगणना होने से जो पिछड़े तबके और गरीब गुरबा लोग हैं, उन्हें भी कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सीएम नीतीश ने कहा है कि जातीय जनगणना की मांग को लेकर बिहार विधानसभा में 2 दफे प्रस्ताव पारित किया गया था। पहली बार 2019 में और दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को विधानसभा में जब जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया तो सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने पार्लियामेंट में भी कई बार इस प्रस्ताव को भेजा, लेकिन अब तक इस तरफ कोई पहल नहीं की गई है। नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार को एक बार फिर इस पर विचार जरूर करना चाहिए। मुंगेर में जब बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ऑक्सीजन प्लांट और अस्पताल का उद्घाटन कर चिकित्सा के लिए सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, ठीक उसी वक्त सदर अस्पताल में गर्भवती महिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। महिला के परिजनों का कहना है कि खून देने के लिए उनसे पैसे मांगे गए थे, पैसे देने में देर हुई तो खून नहीं दिया गया। अस्पताल की दहलीज पर गर्भवती महिला तड़प तड़प कर मर गई। पति पिंटू सागर और परिजन गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। घटना के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि शनिवार को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मुंगेर में थे। वे ITC कंपनी के सहयोग से मुंगेर के ऑक्सीजन प्लांट और 100 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। डिप्टी सीएम जब मुंगेर में थे तो सारा स्वास्थ्य महकमा उनके स्वागत में था, और उसी दौरान दोपहर 12:30 बजे शंकरपुर के पिंटू सागर अपनी पत्नी मधु कुमारी को लेकर सदर अस्पताल में प्रसव कराने पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा कि महिला में खून की कमी है और उसे तुरंत खून चढ़ाया जाना जरूरी है। पिंटू सागर ने बताया कि वे ब्लड बैंक में गए और ब्लड की मांग की। तब ब्लड बैंक में बैठे कर्मचारी ने उनसे कहा कि 5500 रुपये देने पर ही खून दिया जाएगा, जबकि पिंटू और उनके 5 परिजन खून देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी 5500 रुपये नजराने के तौर पर मांगा गया। पैसे के इसी विवाद में काफी देर तक खून नहीं मिल पाया। उसके बाद जब पिंटू अपनी पत्नी को देखने के लिए अस्पताल के अंदर गए तो उनकी पत्नी दम तोड़ चुकी थी। पिंटू की पत्नी मधु के गर्भ में 9 महीने का बच्चा भी, मधु की मौत के 2 घंटे बाद जब बच्चे की खोज खबर ली गई तो पता चला कि बच्चा भी मर चुका है। बिहार सरकार नौकरी से रिटायर हुए लोगों के लिए एक बार फिर नौकरी का मौका लेकर आई है। यह मौका 1 अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मियों के लिए ही होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का संकल्प जारी किया है। बिहार सरकार ने तय किया है कि रिटायर कर चुके राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मियों की सेवा भी अगले 1 साल के लिए संविदा पर ली जा सकेगी। संविदा पर नियोजन उसी पद के विरुद्ध किया जाएगा जिस पद से संबंधित सरकारी सेवक रिटायर हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि अप्रैल 2020 के बाद बड़ी संख्या में राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मी रिटायर हुए हैं। बिहार में कोरोना का कहर अभी कम होना शुरू ही हुआ था कि बाढ़ ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी है। कोरोना और बाढ़ को देखते हुए सेना भर्ती रैली में सफल प्रतिभागियों की 25 जुलाई और 29 अगस्त को होने वाली परीक्षा रद्द कर दिया है। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से फरवरी 2021 में मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में सेना भर्ती रैली आयोजित की गई थी। सफल प्रतिभागियों की लिखित
परीक्षाएं जो 25 जुलाई एवं 29 अगस्त को होनी थी, 25 जुलाई को सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क एवं नर्सिंग असिस्टेंट और 29 अगस्त को सोल्जर जीडी की परीक्षा होनी थी। दानापुर भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल तेजेंद्र सिंह ने बताया कि इन परीक्षाओं को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। नई तिथियों के तय होने पर सभी संबंधित प्रतिभागियों को आवश्यक सूचना दी जाएगी। बता दें कि पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज व वैशाली जिलों के लिए अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा होनी थी। निगरानी जांच के विभिन्न जिलों से 9,644 शिक्षकों ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले शिक्षक नौकरी से हटाए जाएंगे। साथ ही इनसे अब तक उठाए गए वेतन की राशि वसूली की जाएगी। 30 जून से 20 जुलाई तक निगरानी जांच से जुड़े सभी शिक्षकों को फोल्डर पोर्टल पर अपलोड करने की मोहलत दी गई थी। विभिन्न जिलों से 89,874 शिक्षकों को सर्टिफिकेट अपलोड करना था। इसमें से 80,230 शिक्षकों ने फोल्डर अपलोड किया है। अपलोड किए गए सर्टिफिकेट की जांच निगरानी के अफसर संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण संस्थानों से कराएंगे। जांच में पता चलेगा कि कितने शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट पर भर्ती हुए हैं। बिहार में शुक्रवार की शाम से मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर से कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। साथ ही 25 जुलाई के आसपास मॉनसून ट्रफ के बिहार की ओर शिफ्ट करने के आसार हैं। इन मौसमी प्रभावों से दो दिन राज्य भर में बारिश और वज्रपात की स्थिति बन रही है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 26 और 27 जुलाई को सूबे में झमाझम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इन दो दिनों में राज्य भर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। गया और बक्सर में 27 जुलाई को बहुत तेज बारिश के आसार हैं। उधर बारिश न होने से राज्य भर में पारा 3 से 4 डिग्री तक ऊपर चढ़ा है। लोग पसीने वाली गर्मी से परेशान हैं। जेठ में झमाझम बारिश के बाद सावन निकट आने पर बादलों की बेरुखी से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। बारिश न होने से धान की रोपनी और खेती किसानी पर भी प्रभावित हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क रिक्रूटमेंट एग्जाम 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। IBPS की वेबसाइट IBPS.in पर क्लर्क एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक जारी किया गया है। यह एडमिट कार्ड IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम 2021 के लिए है। IBPS ऑफिस असिस्टेंट भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 14 अगस्त को होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी वेबसाइट पर 14 अगस्त तक उपलब्ध रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग इन दिनों मतदाता सूची में संशोधन प्रक्रिया को तेज कर रहा है। प्रदेश में हाट बाजारों में ढोल बजाकर आम लोगों को संशोधन की सूचना दी जाएगी। नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचित नगर निकाय के कारण इस बार मतदाता सूची में संशोधन की जरूरत दिखी है। वहीं लोगों को इसकी जानकारी देने अलग अलग तरीके से आजमाए जा रहे हैं। दरअसल बिहार के कई पंचायत क्षेत्रों को अब नगर निकाय क्षेत्र का दर्जा मिल चुका है, जिसके बाद अब पुराने पंचायत क्षेत्र में रहे मतदाताओं की गिनती इसमें नहीं होगी। उनको पंचायत क्षेत्र के नियमानुसार अलग किया जाएगा और उन क्षेत्रों में इसे लेकर प्रचार की व्यवस्था की जा रही है। न्यूज 18 के अनुसार आयोग ने आदेश जारी कर मतदाता सूची में संशोधन की सूचना 24 जुलाई से 30 जुलाई तक 7 दिनों तक 4 स्थानों पर की जाएगी। चुनाव आयोग ने ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत और प्रखंड कार्यालयों में सूचना देने का निर्देश दिया है। वहीं पंचायत समिति के चुनाव के लिए संबंधित प्रखंड कार्यालय में और जिला परिषद के चुनाव के लिए प्रखंड कार्यालय और जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में सूचना देने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर कोरोना महामारी में अनाथ हुए 0 से 18 साल के बच्चों को बाल सहायता योजना से जोड़ा जा रहा है। योजना के तहत सभी अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 1500 रुपया दिया जाएगा और अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। इसको लेकर समाज कल्याण विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक अब आंगनबाड़ी सेविका को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा और जो सेविका ऐसे अनाथ बच्चों को खोज करेगी उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति बच्चा 50 रुपए देने का प्रावधान दिया गया है, ताकि कोई अनाथ बच्चा छूटे नहीं। कोरोना काल में अनाथ होने वाले बच्चों की संख्या अभी तक विभाग के पास लगभग 30 पहुंच गई है। वही कई
आवेदन को रद्द किया गया है। योजना लागू होने के बाद इसमें गलत ढंग से आवेदन करने वालों को जांच के बाद हटाया जा रहा है। इन सही अनाथ हुए बच्चों को अगले माह से योजना का लाभ मिलने लगेगा। कोरोना महामारी के दौरान अगर कोई बच्चा अनाथ हुआ है और अगर किसी बच्चे को कोई पालने या रखने वाला नहीं होगा तो उस स्थिति में अनाथ बच्चों की देखरेख एवं उनका संरक्षण राज्य सरकार करेगी। इस योजना के तहत योग्य बच्चियों का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर होगा। बिहार के राज्य भर में 56,000 वार्डों में मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत पूर्ण की गई सभी योजनाओं में पानी के नमूने की जांच पीएचईडी ने प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक माह कर रही है। साथ ही पानी के जांच की रिपोर्ट को पंप ऑपरेटर के पास रखे रजिस्टर में लिखा जाता है, लेकिन पीएचईडी ने अब निर्णय लिया है कि लाभुकों को भी पानी की जांच रिपोर्ट से अवगत कराया जाए ताकि जिस पानी को वह पी रहे हैं वह पानी कितना शुद्ध है वह भी देख सके। इसको लेकर उनके मन में कोई शंका नहीं रहे और विभाग भी लाभुकों को रिपोर्ट देने के बहाने योजना संबंधित फीडबैक भी उनसे हर माह ले सके। पीएचईडी ने सभी अधिकारियों को 2 दिन पूर्व दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभाग ने अधिकारियों से कहा है कि पानी के नमूने की जांच के फलाफल योजना के लाभार्थियों को हर माह नियमित अवगत कराया जाए। इसके लिए पंप ऑपरेटर जल गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट रजिस्टर में रखकर हर माह वार्ड में कम से कम 25% लाभुकों से उस पर हस्ताक्षर कराएंगे। पीएचईडी और पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के 98% ग्रामीण वार्डों में पाइप जलापूर्ति योजना का कार्य पूरा कराते हुए 1.62 करोड़ परिवारों को नियमित टैब से पानी पहुंचाया जा रहा है। अब 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव निश्चय अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालिक रखरखाव को लेकर विभाग ने कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।